बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका देने की तैयारी में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज बड़े तौर पर एक्शन लेते हुए कहा कि बंगाल के अंदर जल्द आर्टिकल तीन सौ छप्पन के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा पिछले तीन दिनों से लगातार हिंसा पीड़ित क्षेत्रों के अंदर राज्यपाल जगदीप धनखड़ दौरा कर रहे तो वही ममता बनर्जी लगातार बयानों पर बयान और आरोपों पर आरोप लगाए जा रही है इस बीच में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा कल नंदीग्राम की सीट पर हुए दौरे के बाद में वहाँ की जनता ने जो दर्द बयां किया है उसके बाद में राज्यपाल ने भी बयान और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बंगाल के अंदर ममता दीदी के खिलाफ जल्द बड़ी रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी बंगाल के अंदर ये भी बयान सामने आ चुके हैं कि बंगाल के अंदर करीब पाँच हजार से ऊपर हिंदू परिवारों ने ममता बनर्जी के डर से चुनावी नतीजों के बाद बंगाल को छोड़कर असम के कैंपों में अंदर जाकर बच चुके इस दौरान ममता बनर्जी उन पर कोई बड़ा संज्ञान या फिर बयानबाजी भी नहीं कर रही है लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ तक राज्यपाल जगदीप धनखड़ की गाड़ी और काफिले पर हुए हमले के बाद में भी कोई जांच नहीं की गई जिसके बाद में उन्होंने इंस्पेक्टर को फटकार भी लगा दी थी राज्यपाल ने मीडिया के सामने लेकिन उसके बाद में भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया यहां तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह भी बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को जनता के द्वारा चुना गया लेकिन ममता बनर्जी जनता के साथ में बुरा बर्ताव कर रही है संविधान की पूरी तरीके से धजिया उड़ाई जा रही है यहां तक प्रशासन भी कोऑपरेट नहीं करता हुआ नजर आ रहा है बंगाल के अंदर हो हिंसा को रुकने का नाम भी नहीं ले रही यहां तक कि कल और परसों बीजेपी के नेताओं पर भी बड़ा अटैक किया गया एक तरफ सुबह दो अधिकारी धनजीग्राम की सीट पर जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी के लिए बड़ी चिंता और टक्कर का मुकाबले के बीच में खड़ी नजर आ रही है जिसको लेकर ममता बनर्जी तरह-तरह के बयान भी दे रही है यहां तक कि आज ममता बनर्जी को बड़ा ही दुखों का पार भी टूट पड़ा उनके भाई के निधन के बाद में ममता बनर्जी भी काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही है यहां तक कि बंगाल के अंदर अब आज से पूर्णतः लॉकडाउन भी लगा दिया गया 31 मई तक बंगाल के अंदर लॉकडाउन लगाए जाने के बाद ज़रूरी सेवाओं का छूट मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं बंगाल के अंदर चुनावी नतीजों के बाद में बढ़ रही हिंसा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दौरों के बाद में बौखलाई ममता बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के डर से लॉकडाउन लगा दिया है पूर्ण तक कि ताकि राज्यपाल हो या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी बंगाल का दौरा ना कर सके बंगाल के दौरों के अंदर बीच में हो रही इन हिंसाओं की खबरों के साथ साथ में बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने जाने की खबर भी सामने आ रही है जो जल्द बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है ममता बनर्जी के खिलाफ में अब देखना होगा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा ली गई जाँच कमेटी के दौरान में अब ममता के खिलाफ क्या कुछ बड़ा एक्शन होता है या फिर नहीं होता है क्योंकि तो बंगाल के चुनाव में और बंगाल की जीत के बाद डर के मारे कई लोग बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ लंबे समय से हम आपको अपडेट दे रहे हैं बंगाल के चुनावी नतीजों की कवरेज को लेकर और अब बंगाल के हिंसा को लेकर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जय हिंद वंदे मातृ